मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के अभियान पर मध्य प्रदेश किसान नेता शिव कुमार शर्मा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान 13 से 14 वर्ष के कार्यकाल में तो किसानों को आत्मनिर्भर बना नहीं सके। मध्य प्रदेश सरकार का जुमला चला था कि अब हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, केवल कह देने से काम नहीं होता है, दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। शिवराज सिंह जी लगभग 13-14 वर्ष मुख्यमंत्री रहे। 13-14 वर्ष के कार्यकाल में तो वो किसानों को आत्मनिर्भर नहीं बना पाए और ना ही खाद बीज, यानी मध्य प्रदेश नकली खाद, नकली बीज और नकली कीटनाशक का हब बना हुआ है, उस पर भी कोई कंट्रोल उनका हो नहीं पाया है। फिर सरकार का जुमला चला कि हम इसको 6 वर्ष हो गए हैं कि किसानों की आय दूनी करेंगे, तो दूनी तो नहीं हुई, आधी हो गई। किसान के तो समझ में नहीं आ रही है, जुमलेबाजी तो हो सकती है कि आत्मनिर्भर तो पूरे देश को बनाने चले हो आप, उसमें किसान भी एक है, पर आत्मनिर्भर बनेगा कैसे जब उसका सामान समर्थन मूल्य पर नहीं लोगे आप। समर्थन मूल्य भी क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य उसको कहा गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कि किसान की कुछ सांसें किसान की चलती रहें, हम केवल वो आपको दाम दे रहे हैं और वो दाम भी आप नहीं दे रहे हो। 5 फसलें आपने समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदी हैं अभी, जिसमें बाजरा है, मक्का है, मूंग है, सोयाबीन है। फिलहाल खबरों में इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए मृदुभाषी न्यूज के साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को।